गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास दसवीं के इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। तो चलिए इसके बारे में अब मैं डिटेल से पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए यहां से देखते हैं, लिखा है द हाउस, मतलब वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, लो हिल मतलब हो जाएगा निचली पहाड़ी, यानी कि जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट मतलब उसकी ऊंचाई से, यानी कि उस चोटी की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी वहां से नदी को देख सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से आच्छादित थे, यानी कि जिसमें फूल लगे हुए थे। एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि उन्हें देख करके यही लगता था कि इस बार जो है अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जो धरती को जरूरत थी, वाज डाउन पोर एट लीस्ट सावन, कराए कि वह थी कि एक घनघोर वर्षा हो जाए, या फिर कम से कम एक शोर मतलब बौछार हो जाए। टू आवर द मॉर्निंग, पूरे सुबह, यानी कि सुबह से लेंचो, लेंचो जो एक किसान था जो उस पहाड़ी पर रहता था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत के बारे में अच्छी तरह से या घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, इन सिवाय बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, करके जो उत्तर पूर्व आकाश की ओर से जो बारिश होने वाली थी, या उसे शंका था कि मतलब बारिश होने वाली है, तो वो आकाश की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि नाउ मतलब अब, वी आर रियली, हम लोग वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब वास्तव में हम लोग को वर्षा का जल मिलने वाला है। द वुमेन, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, मतलब उसकी पत्नी जो रात का भोजन बना रही थी, उसने रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एस मतलब हाँ, गॉड्स विल, यानी कि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े लड़के थे वह खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, मतलब जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के ही आसपास खेल रहे थे। अंटिल द ओमैन कॉल टू देम ऑल, यानी कि तब उसकी माँ ने, यानी कि उस महिला ने उन सबको आवाज दी, कम फॉर डिनर, यानी कि खाने के लिए आओ। आगे लिखा, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी कि भोजन के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादल जैसे पहाड़, यानी कि जो बादल थे वो लग रहा था कि पहाड़ है। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए, अप्रोचिंग का मतलब होता है कि आगे बढ़ते हुए, तो वह आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी थी, और स्वीट मतलब मिठास थी, यानी कि सुगंध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन
देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। लिखा है कि द मैन वेंट आउट, आदमी जो था यानी कि लेंचो जो था वो बाहर चला गया। नो अदर रीजन, इसका कारण ये था टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, यानी कि वह अपने शरीर पर वर्षा के सुख का अनुभव करना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वह वापस आया उसने विस्मय यानी कि बहुत अकस्मात रूप से बोला, आगे दिया है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि आकाश से गिर रही बारिश की बूंदे नहीं थी। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी कि जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 सेंट के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब हो जाएगा संतुष्टि, एक्सप्रेशन मतलब भाव, यानी कि संतुष्टि के भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड, वह अपने खेत को देखा, ऑफ राइप कॉर्न मतलब जिसमें फसल लगी हुई थी, पकी हुई फसल लगी हुई थी, विथ इट्स फ्लावर्स यानी कि उसके फूलों के साथ। ड्रैब्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जिसपे बारिश का पर्दा, कर्टेन का मतलब हो जाएगा पर्दा, जिसपे बारिश का पर्दा चढ़ा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कि फसल के ऊपर पूरा बारिश हो गया है। बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन, आगे लिखा कि बट सडनली, लेकिन अचानक से ए स्ट्रांग वाइंड बिगन टू ब्लो, तेज हवा बहना शुरू कर दी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ, लिखा कि बारिश के साथ था, बिग वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, यानी कि बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कहा कि ये ओले सचमुच चांदी के नए सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे वह एक्सपोजिंग मतलब खुले बदन से या नंगे बारिश में थे। रेन आउट टू कलेक्ट, वो बारिश में दौड़े, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजेन पियर्स यानी कि जमे हुए मोतियों को, यानी कि जो वो ओले पड़ रहे थे वो जमे हुए मोती जैसे प्रतीत हो रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, लंचो ने आश्चर्य से कहा या विस्मय से कहा कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि ओले गिरने जल्द ही बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह ओले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, लगभग एक घंटे तक, द हेल रैन ऑन द हाउस, ओले घर के ऊपर गिरे, द गार्डन मतलब बागीचे में गिरे, द हिल साइड पहाड़ी के तरफ गिरे, द कॉर्न फील्ड और जो अनाज के खेत थे वहां गिरे, ऑन द होल वैली यानी कि संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे, यानी कि एक घंटे तक ओले घर पर, बागीचे में, घाटी में और पके हुए फसल के खेत में और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफेद हो गया, एज इफ मतलब मानो, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो, कवर्ड मतलब ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, रिमेंड मतलब शेष बचना, यानी कि वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्टर्ब,
फसल पूरी तरह से नष्ट वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल चले गए थे यानी कि झड़ गए थे। लेंचो्स सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई यानी कि लेंचो बहुत दुखी हुआ। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा,